Hello guys, so today we are studying the chapter The First Flight of NCERT Class 10th, the first part of First Flight. So here we are, in this poem we are going to see that how a bird तो इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं कि कैसे एक पक्षी जिसका नाम सीगल है वो अपनी फर्स्ट फ्लाइट लेता है. और हम सब ये जानते हैं कि स्टार्टिंग हमेशा मुश्किल होती है. अगर आप एक बार स्टार्ट कर देते हैं कोई चीज़ तो उसकी प्रोसेस बहुत आसान हो जाती है. तो वही हम देखेंगे कि कैसे सीगल जो है अपनी फर्स्ट फ्लाइट लेता है, अपने डर को ओवरकम करता है. तो सीगल हमेशा जो लेज होता है जहाँ से बाकी बर्ड्स जो है उसकी फैमिली फ्लाई करना शुरू करती है वहाँ पे वो हमेशा जाके रुक जाता है. उसके दो ब्रदर्स और उसकी एक सिस्टर्स सब अपनी फर्स्ट फ्लाइट ले चुके होते हैं. तो उसकी मदर फादर, उसकी फैमिली मतलब उसकी सिबलिंग्स, उसके मदर फादर सब कोई अपनी फ्लाइट ले रहे होते हैं. सब कोई ऊँची ऊँची उड़ान भर रहे होते हैं लेकिन वो जो सीगल होता है, जो छोटा सा सीगल होता है, वो हमेशा लेज पे बैठे हुए देखता रहता है. जब वो दूर रहता है लेज के तब तो उसको भी करेज आता है कि हाँ मैं उड़ सकता हूँ. लेकिन जब वो पास जाता है तो उसको उसका भरोसा टूटने लगता है. उसे लगता है कि मेरे विंग्स मेरा साथ कभी नहीं देंगे. दूसरा, जब वो नीचे देखता है लेज के पहाड़ी के जब नीचे देखता है तो उसको वो बहुत लंबी होती है, बहुत नीचे बहुत गहराई होती है, मील्स की गहराई होती है. तो वो बहुत डर जाता है उसे देख के. वो अपना सर नीचे करके वापस अपने घर में जो होल होता है वहाँ पे अपने घर में वापस चला जाता है. लेकिन ये सब देख के उसके मम्मी पापा उसे बहुत डांटते हैं. जैसे अगर आप ही कुछ काम नहीं करेंगे तो आपके मम्मी पापा डांटेंगे. तो बर्ड्स के लिए सबसे ज़रूरी तो फ्लाइंग ही होती है. अगर वो फ्लाई नहीं करेंगे तो फूड्स वगैरह कैसे खाएंगे. तो वो जब वो फ्लाई नहीं करता है तो उसके मम्मी पापा उसे बहुत डांटते हैं, बहुत टॉन्ट करते हैं कि तुम उड़ नहीं रहे, थोड़ा सा करेज दिखाओ, उड़ जाओगे. पर वो नहीं करता. जब तक आपके अंदर खुद नहीं आएगा आप नहीं कर पाएंगे. वैसे ही सीगल भी नहीं उड़ पाता है. वो हमेशा नीचे देखता है पर नहीं उड़ पाता कभी. उसे लगता है उसको अपनी विंग्स पर कभी ट्रस्ट नहीं हुआ कि उसके विंग्स हाँ कभी साथ देंगे. तो उसके मम्मी पापा क्या कहते हैं कि जाओ, अगर तुमको नहीं उड़ना है तुम मत उड़ो, लेकिन तुमको खाना भी नहीं मिलेगा. तुम्हें खाना चाहिए तो तुम खुद उड़ के खाओ, लेकिन अगर तुम नहीं उड़ोगे तो तुम्हें खाना नहीं मिलेगा. तो उसके मम्मी पापा खाना नहीं देते. तो वो कुछ नाटक करता है, उड़ने की कोशिश करता है पर उड़ तो पाता नहीं है. तो कुछ नाटक करता है कि शायद उसके मम्मी पापा उस पर तरस खा जाएँ. तो वो जाके लेज के पास ही थोड़ी दूर पर लेट जाता है. वो बुक में लिखा हुआ है NCERT में कि कैसे वो सो रहा है. उसकी पोजीशन दिखाई बताई गई है हमें कि एक लेग ऊपर होता है, एक लेग उसकी विंग्स में होता है और वो आइस क्लोज करके लेट जाता है. वो अटेंशन चाहता है कि कोई उस पर ध्यान दे कि वो भूखा है, पर ऐसा कुछ होता नहीं है. उसके ब्रदर्स वगैरह अपने में बिजी हैं, उसके फादर अपने में बिजी हैं, वो अपनी फेदर को प्रीच कर रहे हैं. तो सब अपने अपने काम पर बिजी हैं. पर वो थोड़ी देर जब थोड़ा सा आँख खुल के देखता है तो वो देखता है कि कैसे उसकी मदर जो है वो खाना खा रही हैं. अब आप अगर अब सीगल हमारा है जो वो पूरे दिन से भूखा है और उसके सामने ही दूसरी हील में उसकी मदर जो है वो अच्छे से फिश को तोड़ के खा रही हैं, तो उसे देख के थोड़ा सा मन होता है, उसकी भूख और जागती है, वो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करने लगता है भूख के मारे. तो वो खड़े होकर अपनी फैट टैप टैप करके अपनी मम्मी को चिल्लाता है सीगल्स की आवाज़ में, गा गा गा. पर उसकी मम्मी उसकी तरफ देख के और गुस्सा हो जाती है, और गुस्सा हो जाती है तो वो उसे नहीं देती खाना और चिल्लाती है गा 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 उसको रिप्लाई देने के लिए. तो बर्ड और बहुत गुस्सा हो जाता है. लेकिन जब थोड़ी देर बाद वो देखता है कि उसकी मम्मा जो है उसके लिए थोड़े से फिशेस अपनी बीक में फंसा के लेके आ रही हैं. अब यहाँ पे जो मदर उनकी लेके जा रही हैं वो डायरेक्ट उसे नहीं देंगी. वो उनकी थोड़ी सी चाल है कि कैसे सीगल को उसकी फर्स्ट फ्लाइट लेने में थोड़ी मदद मिले. तो वो सीगल के लिए अपनी चोंच में फिश लेके उसकी तरफ जाती हैं. पर जैसे ही एकदम सीगल खुश हो जाता है, एकदम डांस करने लगता है, अपनी फीट स्टैप टैप करने लगता है, उसे बहुत टाइम बाद खाना मिल रहा है, वो बहुत भूखा है इसलिए थोड़ा बहुत खुश हो जाता है वो. तो जैसे ही उसकी मदर उसके लिए खाना लेके आ रही होती है, बस थोड़ी सी उसके बीक में जगह बच जाती है खाना डालने से पहले उसकी बीक में उसकी मदर रुक जाती है. अब एकदम खाना आ रहा होता है लेकिन उसके सामने आके रुक जाता है. अब सीगल बहुत कंफ्यूज होता है कि मम्मी मुझे खाना क्यों नहीं दे रही है, इतना पास लेके आए, थोड़ा सा और ला दे मेरे मुंह में चला जाए, मुझे बहुत भूख लगी है. अब उसके इसी एगर में कि मुझे खाना क्यों नहीं मिला, मुझे खाना चाहिए, अवेयरनेस इसी में उसने रियलाइज़ नहीं किया कि कब उसने एक स्टेप ले लिया और अपनी मम्मी से खाना लेने के लिए कब एक स्टेप ले लिया. पर जैसे उसने रियलाइज़ किया कि वो तो हवा में है, तो जब वो आसपास देखा तो थोड़ा सा वो एकदम नर्वसनेस, उसके आसपास एकदम नर्वसनेस ही नर्वसनेस हो गई कि अब वो क्या करेगा. वो थोड़ा सा डर भी रहा था कि मेरे
बर्ड्स मेरी विंग्स जो हैं वो मेरा सपोर्ट करेंगी या नहीं, लेकिन तभी वो नीचे गिरते गिरते ऊपर उठने लगा, उसकी विंग्स जो है फ्लैप करने लगी आराम से, वो उड़ने लगा। उसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट अब ले ली थी, अब उसे तो बिल्कुल भरोसा नहीं था, अब वो इतना अच्छे से इंजॉय कर रहा था हवा में कि अब उसे बिल्कुल याद नहीं रहा कि कभी वो ऐसी फ़्लाइट लेने से डर रहा था, वो उड़ने से डर रहा था। लेकिन अब तो उसने अपनी फ़्लाइट ले चुकी थी, वो अब आराम से उड़ रहा था। ये देख के उसके उसके भाई बहन और उसके पापा जो हैं वो सब वहाँ पे चीयरफुल मूड में वहाँ पे आ जाते हैं कि उनके छोटे से सीगल ने अपनी फ़र्स्ट फ़्लाइट ले ली है। उसकी मम्मी भी उसकी तरफ आसपास में उड़ने लगी एकदम बहुत हैप्पी मूड में। फिर जैसे सबने उसे पूरा दिन भर भूखा दिया था, उसे बिल्कुल अटेंशन नहीं आता, तो सबने उसके लिए सब उसके लिए थोड़ा थोड़ा खाना लाए, सबने उसको खाना दिया, सबने सब उस पर अब बहुत प्राउड फील कर रहे थे उस पर भी। हमने देखा था कि कैसे जो सीगल के भाई ने उसके अपनी फर्स्ट फिश कैच करी थी, हैरिश फिश का नाम है, तो उसने फिश की थी, कैच की थी, तो उसके पापा मम्मी सब बहुत प्राउड हो रहे थे। वैसे ही अब सब सीगल के लिए भी प्राउड हो रहे हैं कि उसने अपनी फ़र्स्ट फ्लाइट ले ली है। तो ये सब होते होते अब जब वो अब एकदम उसको इतना याद ही नहीं रहा कि अब वो उड़ रहा है, तो वो इतना खुश हो गया, इतना एक्साइटेड हो गया उड़ने के लिए कि बस अब इधर उधर उड़ते रहा। लेकिन थोड़ी देर बाद उड़ते उड़ते उसका मन शांत हुआ, वो थक गया। तो जब सब थक गए तो उसकी जो सारी बाकी फैमिली थी वो जाके नदी पे खुद को रिलैक्स करने लगी, एक ग्रीन स्ट्रीम में अपने आप को रिलैक्स करने लगी। वहाँ पे सब रिलैक्स हो गया। अब यहाँ पे फिर से सीगल को थोड़ा सा डर लगा कि कहीं वो डूब ना जाए, जब वो बैठे सी पे तो कहीं वो डूब ना जाए। फिर से उसने करेज दिखाया थोड़ा सा, यहाँ पे वो कोशिश किया, वो जाके नदी में बैठा। पहले तो उसकी बॉडी जो है वो डूबने लगी, पर स्टमक में जाके उसकी बॉडी आराम से रिलैक्स हो गई, सिंक हो गई, वो नहीं डूबा। फिर वहाँ पे भी इंजॉय करने लगा। तो ऐसे अब हमारे सीगल ने अपनी फर्स्ट फ्लाइट ली थी, तो अगर हम भी थोड़ा सा करेज दिखाएं, सेल्फ कॉन्फिडेंस दिखाएं अपने में, तो हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ओवरऑल इस पोयम का जो थीम था वो यही था कि हम वी नीड अ सम करेज एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस टू डू समथिंग इन अवर लाइफ। सो दैट्स इट, थैंक यू। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।